जमीन मालिक बदलेन या दान की भूमिका क्या करे, जानने से जुड़ा नया अपडेट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सभी रैयतों को जमीन सर्वे में भाग लेने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी लगातार जागरूक कर रहे हैं। जमीन सर्वे से संबंधित लोगों के पास कई तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वे सर्वे में भाग लेने से हिचकिचा रहे हैं। कई लोगों को सर्वे में कई कागजातों की वजह से सरकारी कार्यालय के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इन सभी की केवल एक ही वजह है, रैयतों के पास जमीन सर्वे से संबंधित सही जानकारी का अभाव होना। कई रैयतों के ये सवाल भी हैं कि यदि उनकी जमीन क्रय, बदलैन या दान की है तो वे क्या करेंगे। तो ऐसे सवालों का भी सीधा जवाब है और उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बदलैन या दान की भूमि है तो उसे लेकर क्या नया अपडेट है। रैयत या रैयत के वंशज द्वारा स्व घोषणा प्रपत्र 2 धारित भूमि को भरकर अपने शिविर या अंचल में जमा करवाना होगा। रैयत चाहे तो इसे भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर भी अपलोड कर सकते हैं। प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज जमा कर सकते हैं या इसे dlrs.bihar.gov.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करनी होगी। कई लोगों के पास क्रय, बदलैन या दान की भूमि है तो वे क्या करेंगे। ऐसे लोग जमीन के दस्तावेजों की छाया प्रति जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े संबंधित सक्षम न्यायालय का आदेश है तो उसकी छाया प्रति भी आप जमा करवा सकते हैं। आपको बता दें कि जिन जमीन की बंदोबस्ती की गई है या भू दान प्रमाण पत्र या वासगीत पर्चा मिला है उसकी छाया प्रति भी लगानी होगी। यदि इस जमीन का वास्तविक मालिक है तो ऐसे में उन्हें केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 ही देने की जरूरत होगी। यहाँ पर वंशावली लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग खतियान के सच्ची प्रतिलिपि को लेकर भी परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को स्पष्ट कर दें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन के मालिक को खतियान की सच्ची प्रतिलिपि जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास यदि पहले के सर्वेक्षण में विभाग की तरफ से मिले खतियान की फोटोकॉपी है तो आप इसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा वंशावली को लेकर भी कई बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। इसे लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के नज़दीक शपथ की जरूरत नहीं है। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वंशावली पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य नहीं है। रैयत खुद के द्वारा बनाए गए वंशावली की स्व घोषणा करके उसे शिविर में जमा कर सकते हैं या हमारे द्वारा बताए गए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति हो ये भी जरूरी नहीं है। आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि भी जमीन पर उपस्थित रह सकता है। जमीन की अद्यतन रसीद या ऑनलाइन रसीद की भी जरूरत नहीं है। भू सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए या इससे संबंधित जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। लिंक आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, साथ ही हमने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।